हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेक्स नंबर में एक और कदम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने इंडेक्स नंबर का मीनिंग समझा था और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसके अंदर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर के एग्जाम्पल और एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो देखा था। आज हम इंडेक्स नंबर के अंदर मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें पहली मेथड है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। ये जो फॉर्मूला है इसे हम बाद में लास्ट पेयर की फॉर्मूला भी कहेंगे और इसी का हम यूज करने वाले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। मगर अगर Q0 की जगह Q1 आ जाए, यानी कि इंडेक्स नंबर की नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसी के अंदर, वो है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू 100, तो ये बन जाती है हमारी पाशेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला, जो कि हमें फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें इसका इस्तेमाल भी करना है। वेयर P0 इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 is the quantity of the base year, P1 is the price of the current year and Q1 is the quantity of the current year। तो ये चार टर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हमें ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इंडेक्स नंबर को ढूंढना है। तो देखते हैं उसका हमारा आज का पहला एग्जाम्पल, जो कि होगा एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि कुछ इस तरह से होगा। सो नाउ Today we are going to discuss our two important methods of constructing index number. दो method में से पहला example हम लेने वाले हैं, जो कि है by using total expenditure method, जिसे कहा जाता है कभी-कभी aggregate expenditure method also. अब हमें यहाँ पे जो data दिया गया है, उसके हिसाब से चार commodities A, B, C, D दिए गए हैं, उनसे related base year and current year की prices and quantities दी गई है, and as we know that क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को कहा जाता है Q0, प्राइस ऑफ द बेस ईयर को कहा जाता है P0, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर को कहा जाता है Q1 एंड प्राइस ऑफ द करंट ईयर को कहा जाता है P1। मेथड जो है उसमें हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला देखनी होगी। सो बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दो मेथड्स हैं, दूसरी होती है फैमिली बजट मेथड, एकदम इजी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड है और इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है, इट इज डिफाइंड एज सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो। और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर भी, क्योंकि लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर के अंदर इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, यानी P1 P0 रहता है और Q0 ऊपर भी है Q0 नीचे भी है। यानी याद रख सकते हो आप, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में दो फॉर्मूला यूज हो सकती है, एक है लास्ट पेयर जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो और दूसरा पास्टेस फॉर्मूला, जो कि हम नेक्स्ट लेटर एग्जांपल्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। यानी फॉर्मूला कहती है हमें चाहिए P1 into Q0, यानी हमारे पास प्राइस है करंट ईयर का P1 into हम करेंगे Q0 क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर एंड P0 into Q0। P0 into Q0 को एक्सपेंस भी कहा जाता है, समटाइम्स वेट कहते हैं हम नेक्स्ट मेथड के अंदर, जैसे हमने आगे समझाया था फैमिली बजट मेथड में, तो बेस ईयर का वेट या एक्सपेंस भी कहा जा सकता है P0 Q0 को। तो अब ये कैलकुलेशन के लिए हमें दो एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करनी होगी इसी जगह पे, जिसके अंदर हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, एक है P1 Q0 और उसके बाद होगा हमारा P0 Q0। सो टेबल के अंदर हमें टोटल चाहिए होंगे लास्ट दो, बाकी टोटल की आवश्यकता नहीं है, खाली हमें यहाँ पे टोटल चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे P1 into Q0, P1 with Q0, so 12 into 12 that is 144, गलत कॉलम यूज ना हो जाए अदरवाइज टोटल गलत हो सकता है, 15 into 5 यानी 15 5 जा 75, कैलकुलेटर से आप टैली भी कर सकते हो, 24 9 जा होगा 216, सिमिलरली 14 into 5 14 5 जा होगा 70। आप अपने कैलकुलेटर के अंदर टोटल चेक कर सकते हो एंड टोटल वुड बी 505।
P0 Q0 करना है हमें, 12 इंटू 10 यानी 120, देन 15 इंटू 7 यानी 105, 24 इंटू 5 यानी 120, 16 इंटू 5 यानी 80, और जो है ये इसका टोटल होगा 425. सो दोनों टोटल हमारे पास रेडी हो चुके हैं. दिस इज अवर सिग्मा P1 Q0, दिस इज अवर सिग्मा P0 Q0. दोनों जगह पे उसकी वैल्यू रख देते हैं हम, तो दैट इज 505 डिवाइडेड बाय 425 इंटू 100, और अगर आप डिवाइड करते हो इसे बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो वो होगा टोटल 118.8. तो ये हुआ हमारा इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इसी तरह से हम अभी फैमिली बजट मेथड में भी एग्जांपल देख रहे हैं नेक्स्ट, जो कि होगा हमारा एग्जांपल नंबर 6. और टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड से एक एग्जांपल करने के बाद अब हम देखने वाले हैं दूसरी मेथड, जो कि है हमारी फैमिली बजट मेथड. बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ज्यादातर यूजफुल भी है. फॉर्मूला कहती है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वेयर आई इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव विच इज डिफाइंड एज P1 अपॉन P0 इनटू 100, एंड डब्ल्यू इज वेट, समटाइम्स इट इज नोन एज एक्सपेंस ऑफ द बेस ईयर, दैट इज इक्वल टू P0 इनटू Q0. तो ये दो कैलकुलेशन हमारे पास हो तो फिर हम नेचुरली फॉर्मूला का यूज करके हमारा इंडेक्स नंबर ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड. तो इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे. मेथड हमारे पास ये दो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंडेक्स नंबर के लिए, तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके बाद दोनों ही मेथड के एग्जांपल एक ही सम के अंदर कंपेयर करने के लिए कि क्या दोनों के आंसर सेम मिलते हैं. तो यस, हम वो कंपेयर करेंगे कि चाहे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो या फैमिली बजट मेथड, दोनों की वजह से हमें जो आंसर मिलते हैं वो हमेशा होते हैं सेम. सो अब हम हमारा दूसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम फैमिली बजट मेथड का इस्तेमाल करेंगे. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर द फॉर्मूला ऑफ फैमिली बजट मेथड, फिर भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं यहाँ पे. तो बाय फैमिली बजट मेथड क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ फैमिली बजट मेथड, तो द इंडेक्स नंबर इज डिफाइंड एज सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. व्हाट इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज वेट, और अर्लियर वी डिस्कस द फॉर्मूला, इट इज P0 इंटू Q0, दैट कैन बी अंडरस्टैंड एज एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, दैट इज P0 Q0 इज अवर डब्ल्यू. हियर वेट इज गिवन, सो वी विल कंसिडर अवर वेट एज डब्ल्यू. सो हमारे पास डब्ल्यू रेडी है यहाँ पे फिलहाल. प्राइजेस के बारे में कहे तो ईयर 2010 विल बी कंसिडर्ड एज द बेस ईयर दिया जाता है वैसे, तो उसे हम P0 कहेंगे. एंड करंट ईयर होगा 2018, तो प्राइस ऑफ द करंट ईयर विल बी फ्रॉम 2018. तो ये प्राइजेस रेडी है हमारे पास. आई को हमने वैसे कहा हुआ है, यहाँ पे कहा जाता है आई यानी प्राइस रिलेटिव्स, दैट इज P1 अपॉन P0 इनटू 100. सबसे पहले हमें प्राइस रिलेटिव ढूंढना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पे कॉलम्स बनानी पड़ेगी टोटल 3. वैसे ऑलरेडी W तो हमारे पास है ही, अदरवाइज हमें P0 Q0 भी करना पड़ता है, बट लकीली यहाँ पे W दिया हुआ है यानी कि वेट, सो वो काम थोड़ा सा कम होगा. सो प्राइस रिलेटिव्स जो है वो हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100. W रेडी है, इस वजह से एक कॉलम कम होगी, एंड देन सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे I इंटू W. अगर लास्ट एग्जांपल नंबर 5 में ये काम करना है तो भी हम कर सकते हैं, वहां पे हमने P0 Q0 तो ढूंढा ही था, उसे हम W कह देते, खाली एडिशनल ढूंढना पड़ता प्राइस रिलेटिव. चलिए तो अब करते हैं कैलकुलेशन. P1 अपॉन P0 यानी 14 डिवाइडेड बाय 4 पहली कैलकुलेशन है, इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी हम डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. 14 अपॉन 4 इंटू 100 एंड दैट वुड बी 350, देन 21 अपॉन 7 इंटू 100, इजी कैलकुलेशन है, दैट वुड बी 300, 12.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 तो वो होगा 250, एंड लास्टली 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 तो वो होगा 200. अब यहां पे हमें टोटल में ऑब्जर्व कर सकते हो आप फॉर्मूला यहाँ पे नीचे ही, सिग्मा डब्ल्यू की भी जरूरत है, तो हमें पहले डब्ल्यू का टोटल भी करना पड़ेगा.
So sigma w, that would be 30 plus 15 plus 8 plus 22, that would be 75, जो कि 75 होगा। अब हमें आखिरी मल्टीप्लीकेशन करना है, जो कि होगा i into w। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो i एंड w का मल्टीप्लीकेशन 350 into 30, that is 10500, यानी 10,500 हम कह सकते हैं। Then 15 into 300, 4500 होगा। Then 8 into 250, that would be 2000. And lastly 22 into 20, so that is, sorry, 22 into 200, that is 4400. तो ये हमारा sigma, ये हमारा IW ready हो गया। अब हमें इसका sigma find करना है, total find करना है, तो that would be sigma IW। और इसका आप total करोगे तो वो हमें मिलेगा 21,400। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर के अंदर, वैल्यू रेडी है ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर हम दोनों वैल्यू रख देते हैं, सो 21,400 सिग्मा IW है डिवाइडेड बाय सिग्मा W यानी 75, और रेशियो अगर आप ढूंढते हो तो दैट वुड बी 285.33। तो ये हुआ हमारा इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड से ये हमारा एग्जांपल हो गया तैयार। अब नेक्स्ट जो हमें एग्जांपल लेना है उसके अंदर हम दोनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम आंसर कंपेयर करेंगे कि फैमिली बजट मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों से आंसर हमेशा कैसे आते हैं सेम। तो वो होगा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम दोनों मेथड को कंपेयर करके कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं जिसके अंदर आगे जो हमने दोनों एग्जांपल एक एक मेथड से किए, अब इसी कॉमन एग्जांपल के अंदर हम दोनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड, और हम कंपेयर करेंगे और दोनों के आंसर हमेशा सेम आते हैं या हम कंक्लूजन भी निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि पहले कॉलम कितनी बनानी पड़ेगी। अगर नोटेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया बेस ईयर एंड करंट ईयर। तो बेस ईयर की प्राइस P0, करंट ईयर की P1, सिमिलरली क्वांटिटी Q0 एंड क्वांटिटी Q1। हमें सबसे पहले यूज करनी है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दो मेथड हम यूज करने वाले हैं इस एग्जांपल के अंदर। सो पहली है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसकी फॉर्मूला हमारे पास है इंडेक्स नंबर, याद होगा आपको अभी हम दो एग्जांपल देख चुके हैं जिसमें पहले देखा था सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। याद रखने में एकदम सिंपल है, P1 P0 लिख देना है ऊपर नीचे और साथ में दोनों में रहता है Q0 जिसे हमने कहा था ये लास्ट ईयर की फॉर्मूला ही बनने वाली है बाद में। एंड सेकेंड मेथड जो है पहले ही बता देते हैं ताकि हमें कॉलम कैलकुलेट करने में ईजी रहे। दूसरी मेथड है हमारी फैमिली बजट मेथड जिसकी फॉर्मूला भी हम अभी देख ही चुके हैं, तो उसका इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला उसमें होगी सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे P1 Q0 ढूंढना पड़ेगा, तो पहली जो हमारी कॉलम होगी वो होगी P1 Q0 की कॉलम। फॉर्मूला अगर आप समझ जाते हो अच्छे से तो कैलकुलेटर है ही आपके पास, बाकी कोई काम डिफिकल्ट रहता नहीं है। P1 Q0 के बाद हमें चाहिए P0 Q0 एंड वी नो दैट हम कह चुके हैं फैमिली बजट मेथड में इट इज अवर W, यानी ये कॉलम हमें ड्यूअल दोनों फॉर्मूला में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं W भी लिख दूंगा, W इज अवर P0 Q0, यानी ये दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे जब हमारे पास, तब हम पहली फॉर्मूला यानी टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से आंसर ला सकेंगे और W हमारा दूसरी फॉर्मूला के लिए भी रेडी हो जाएगा, तो काम ऑलमोस्ट ईजी हो सकता है। बाद में हमें ढूंढना पड़ेगा दो चीजें, आई ढूंढना है, यानी एक कॉलम हम यहाँ पे ऐड करेंगे फैमिली बजट के लिए आई, यानी इट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, एंड लास्ट में होगा आई इंटू W जो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं फैमिली बजट मेथड के लिए। तो इन शॉर्ट अगर दोनों एक साथ ढूंढने हो तो आपको चार कॉलम एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। तो अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए P1 इंटू Q0, पड़ोस में ही है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। P1 into Q0, 20 into 500, 32, 20 and 50. और अगर आप टोटल करते हो तो जो टोटल है हमारे पास तो वो टोटल होगा 202, 202।
अब W के बारे में हमें पहले P0 into Q0 करना है, यानी P0 with Q0, ध्यान से जरा कैलकुलेशन करिएगा, 20 into 2 यानी that is 40, 4 into 4 यानी 4 4s are 16, 10 into 1 यानी 10 and 5 into 5, कैलकुलेटर आप यूज करते हो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, और इसका अगर आप टोटल ऑब्जर्व करते हो जिसे हम सिग्मा W का है या सिग्मा P0 Q0 का है, इसका टोटल जो है वो होगा 91। तो पहले के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो हमारा आंसर पहला हमें मिल ही रहा है, जो कि दूसरे में भी यही आंसर मिलेगा, अभी हम कंपेयर भी करेंगे, और अगर इसको आप डिवाइड करते हो 202 डिवाइडेड बाय 91 तो वो आंसर हमारा होगा अप्रोक्सीमेटली 221.98, जिसे आप 222 भी लिख सकते हो, बट हम जनरली राउंड ऑफ करके दो डिजिट तक आंसर लिखते हैं। तो ये पहली मेथड के हिसाब से हमें मिला हमारा इंडेक्स नंबर। अब हम सेकेंड मेथड यानी कि फैमिली बजट मेथड यूज करेंगे, जिसके लिए अभी हमने लास्ट में सम किया था, सिंपल काम है, और लकीली हमें यहाँ पे प्राइजेस साथ में दिए गए, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर भी याद करा देता हूँ, 5 अपॉन 2 इंटू 100 एंड दैट इज 250, 8 बाय 4 इंटू 200 दैट इज 200, 2 अपॉन 1 इंटू 100 दैट इज अगेन 200 एंड 10 बाय 5 इज अगेन 2 into 100 and it will be again 200. So values ready है, पहला 250 आया, बाकी के luckily तीनों के तीनों same आ रहे हैं 200 200 200. अब I into हमें W करना है, I into W करते हैं, तो I हमारे पास ये रहा, W पड़ोस में ही है, 250 into 40 and that total would be 10,000. Easy calculation है. And next 16 into 200 तो that is 3200. And 10 into 200 that would be 2000 and 25 into 200 and वो होगा हमारा 5000, और अगर आप टोटल करते हो तो वो टोटल जो है वो होगा 20,200। तो हमारे सभी टोटल हमारे पास रेडी है, और आप आंसर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो आंसर सेम ही आने वाला है, 20,200 डिवाइडेड बाय 91। आप कंपेयर वैसे कर ही सकते हो, ये 202 इन 200 करते हो तो वो 20,200 ही होगा, एंड ऑलमोस्ट आंसर दोनों में सिमिलर ही मिल रहा है और मिलना ही चाहिए। सो कोई भी मेथड से अगर आप सम करते हो यहाँ पे बाय यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड, इंडेक्स नंबर यहाँ पे दोनों से हमेशा कैसा मिलेगा, सेम। आज हमने इंडेक्स नंबर चैप्टर के अंदर मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स को देखा, जिसमें हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड के एग्जांपल्स किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स को डिटेल में समझेंगे, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इंडेक्स नंबर ढूंढने की, वो देखेंगे, जिसमें लास्पेयर, पाशे, फिशर, मार्शल एजवर्थ एंड ऑर्बिश बावली की इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रहेगी। थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.